Character from Arunachal Pradesh, and he stays in Itanagar. The story which he wanted to make based on his life. So, एक छोटा बच्चा है जिसके father expire हो जाते हैं और उसके पूरी family की responsibility उसके ऊपर आ जाती है. और जब वो business करने के लिए उसके पैसे भी नहीं है, जब वो आता है शहर में आता है तो वहाँ के जो नक्सल्स हैं. Since I'm from Northeast, so definitely मैं वो Northeast के बारे में बोलना चाहूँगा. Northeast is the 8 states. Anything to do with tourism, सबसे ज़्यादा अच्छा connection is Delhi. So definitely, Itanagar is the capital of Arunachal. So हम लोग को वो दिखा. I was really excited with the story also. I didn't like me. I talked specially. I was director. Itanagar is so Arunachal. So why not we promote people out there in tourism as well? That was देखिए पहला तो लाइक नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड मैं नागालैंड से बिकॉज शी इज फ्रॉम नागालैंड हमारा काफ़ी एसोसिएशन रहा है वी हैड अ स्टूडियो ऑल्सो अर्लियर तो जब ये अरुणाचल का आया तो इट वाज अ न्यू प्लेस फॉर अस और वहाँ का जब हमने स्टोरी लाइन लिखा सब कुछ लिखा तो उसमें काफ़ी कुछ हमको वी हैड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च प्लस उन्होंने कहानी जैसे किसी से आप पूछते हैं तो दे आर नॉट प्रोफेशनल्स वो जस्ट बताते हैं मित्र ऐसे हुआ था मुझे ऐसा क्या उसमें जब हम वहाँ गए देखी में गए तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस एक जीरो करके जगह है अरुणाचल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस लेकिन पूरी पिक्चर हमने ईटानगर में शूट की और जब वहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि 2:30 बजे सनसेट हो जाता है मतलब 4 बजे इट्स पिच डार्क तो जो हमारे यहाँ का वर्किंग है 12 आवर्स का हमारा शिफ्ट रहता है वो वहाँ जाने में थोड़ा सा हमको वी हैड अ प्रॉब्लम जनरेटर का प्रॉब्लम था लाइट का लोड नहीं था इक्विपमेंट्स वी हैड टू गेट इट फ्रॉम गुवाहाटी बिसाइड्स दैट द पीपल आउट देयर दे आर वेरी फ्रेंडली और मज़ा आया काम करके डेफिनेटली इनफैक्ट शूटिंग के टाइम में बहुत लोग जो यहाँ से मुंबई से जितना आर्टिस्ट उन लोग अच्छा लगा और शूटिंग होने ख़त्म होने के बाद तो यू नो लाइक देयर सो मेनी माई फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली और काफ़ी सारा नॉट ओनली इटानगर सावान इज अ ब्यूटीफुल प्लेस मोमटिल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस नीचो का अभी तो फिलहाल सलमान खान अरुणाचल हो गया लास्ट ईयर John Abraham was really, you know, like a brand ambassador. So gradually things are changing. Yeah. अभी casting बहुत ज़्यादा experience बहुत अच्छा लगा मुझे. Thank you.